जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जे जी टी एल क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से बड़ी प्यारी सी अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस हमारी 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल की है। इसे हमने क्रोशे से बनाया है, इसमें इस तरह से लास्ट में हमने जाली कवर किया है। इसके साथ के हमने कैप बनाई है, इसमें हमने पम पम बोल लगाए हैं, ये भी मैंने क्रोशे से बनाए हैं। तो ये आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसमें ये बोल भी बनाना मैंने बताया है। तो चलो हम ये वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी ऊन के अंदर 17 चैन बना ली। एक चैन और बनाएंगे, एक चैन स्किप करके 17 चैन के अंदर सभी चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह दो लूप होते हैं, एक क्रोशा हुक में होता है, एक हमारी चैन में से एक लूप निकाल के इस तरह दो का एक करते हैं। तो मैं 17 चैन के अंदर 17 सिंगल क्रोशा बना के इसे कंप्लीट करती हूँ। 17 चैन के अंदर 17 सिंगल क्रोशिया बना ली। शुरू में 3 चैन बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, इसी चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, हमारी एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर अगली चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक इसी जगह एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो हमारे एक ही चैन में दो दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इसमें सभी चैन के अंदर में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते हुए हमने वो कंप्लीट कर लिया और हमारे 34 डबल क्रोशिया हो गए। अब दो चैन बनाएंगे, अगली रो हाफ डबल क्रोशिया की बनाएंगे। अपने वर्क को टर्न करेंगे, पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशिया हो गया, दूसरी में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, तीसरी चैन में हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, चौथी चैन के अंदर हमें एक ही जगह दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने। तो हर चौथी चैन के अंदर हमें दो हाफ डबल क्रोशिया बनाने, बीच में 3 चैन के अंदर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाता है। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आएंगे, तो लास्ट में हमारे इसके अंदर 42 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमारे 42 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे, पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, आगे की 5 चैन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो आगे के पार्ट के हमारे 6 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर आगे 9 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैन स्किप करके 10वीं चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। फिर आगे की 11 चैन में और 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो पीछे के पार्ट के हमारे 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर हम 9 चैन स्किप कर देंगे और फिर आगे की 6 चैन के अंदर 6 डबल क्रोशिया बना के अपने इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमारी दोनों बाजू बन गई और तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया की और एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकालेंगे। तो शुरू में 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करते हैं, सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो हमारी 24 चैन के अंदर 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर एक हाफ डबल क्रोशिया की रो निकालेंगे, तो उसमें भी 24 चैन के अंदर 24 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो दोनों रो कम्प्लीट करके अपनी चोली को लंबाई तक मैं कम्प्लीट करती हूँ। इससे बनाते मैंने अपनी चोली को कम्प्लीट कर लिया। एक डबल क्रोशिया के एक हाफ डबल क्रोशिया के रो निकाल के से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब शुरू में यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और सभी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो दो डबल क्रोशिया बनाने। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, फिर यहाँ पे इसी चैन में एक डबल क्रोशिया बनाते। अब अगली चैन में भी एक ही चैन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो सभी चैन के अंदर में दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने सभी चैन के अंदर दो दो डबल क्रोशिया बना के अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी तीसरी चैन के अंदर इसे स्लिप चैन से जोड़ के अपने इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। अब शुरू में 3 चैन बनाएंगे, पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरी चैन में एक डबल क्रोशिया हो गया। अब तीसरी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो।
फिर आगे की दो चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया हमने एक चैन में, दूसरी चैन में एक बनाया, फिर तीसरी चैन में हमें एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हर तीसरी चैन में दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए, मैंने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना ली। यहाँ पे हमारे एक चैन और है, चाहे तो आप इसे स्किप कर दें, इस पर एक डबल क्रोशिया और बना लें, क्योंकि शुरू में हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लिए थे। ऐसे तीसरी चैन से इसे स्लिप चैन से हम इसे जोड़ देते हैं। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, हमारा सॉरी सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब तीन चैन बनाएंगे। अब हर चौथी चैन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। पहली चैन में पहला डबल क्रोशिया हो गया हमारा, दूसरी चैन में दूसरा बनाया हमने, तीसरी चैन में हमने तीसरा बनाया, चौथी चैन के अंदर हमें एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में तीन चैन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चौथी चैन आएगी उसमें हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमारे आगे के सभी राउंड कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट राउंड में हमने सभी जगह दो दो डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर सेकंड राउंड में हमने हर तीसरी चैन में दो डबल क्रोशिया बनाए थे, थर्ड राउंड में हर चौथी चैन में बनाएंगे, फिर फोर्थ राउंड में हर पांचवी चैन में। इस तरह हर राउंड के अंदर हमारा एक एक बीच में डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा। तो हर हमने हर चौथी चैन में बनाए, फिर हम पांचवी चैन में बनाएंगे दो बार, फिर छठी चैन में। इस तरह से लंबाई तक कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको आगे का डिजाइन दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी से लंबाई तक इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर कुल मैंने ये पहली रो में हमने सभी फंदों को डबल किया था, फिर दो छोड़ के तीसरी चैन में बनाया था दो बार, फिर चौथी में, पांचवी में, छठी में। तो कुल हमारी एक दो तीन चार पाँच पाँच लाइनें बन गई हमारी। अब उसके बाद इसके अंदर हम जाली का वर्क करेंगे। यहाँ पे शुरू में हम चार चैन बनाते हैं, एक दो तीन चार चैन बनाने के बाद एक दो चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर हम यहाँ पे आवे तीसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर दो चैन स्किप करेंगे, एक दो चैन स्किप करके तीसरी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे हम। चार चैन बनाएंगे, दो चैन स्किप करेंगे और तीसरी चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह बनाते हम इसके लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पे हमारे दो चैन हैं, तो यहाँ पे मैं चार चैन ने बना के तीन चैन ही बनाऊंगी। तीन चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे अब सिंगल क्रोशिया ना बना के एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक लूप लेंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तीनों लूप को हम एक साथ निकाल देंगे, इस तरह हमारे सेंटर में आ जाता है। फिर अब यहाँ पे हम एक दो तीन चार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया और बनाते हैं। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अभी अगले राउंड के अंदर यहाँ पे हम पांच चैन बनाएंगे, दो तीन चार पांच, पांच चैन बनाने के बाद जो हमारा पहला गैप है उसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर पांच चैन बनाएंगे, पांच पांच चैन बनाने के बाद फिर अगले राउंड के अंदर एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड निकलेगा। इसके बाद इसके अंदर हम एक राउंड और निकालेंगे, तो उसमें हम छह चैन बनाएंगे। तो यहाँ पे जब लास्ट में हम इसका एंड करेंगे तो यहाँ पे हमें चार चैन बना के फिर एक हाफ डबल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन करके फिर इसका एंड करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम छह चैन बना के ये राउंड करेंगे और लास्ट में इसको फिर मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ना सेकेंड कलर ज्वाइन करेंगे। इससे बनाते हुए मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट में यहाँ पे हम छह चैन बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे से सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन करके अपनी उनको कट कर देंगे।
अगर हमें नया राउंड शुरू करना होता तो यहाँ पे हम चार चैन बना के एक डबल क्रोशिया बनाते। यहाँ पे अपना सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे, तो कहीं से भी हम इसे स्टार्ट कर लेते हैं, इसके सेंटर से यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं हम इसे। तीन, चार, पांच, छः। अब यहाँ पे हम छह ही चैन बनाएंगे, अगले राउंड में हम सिंगल क्रोशिया से चले जाएंगे, फिर छह चैन बनाएंगे, फिर अगले राउंड में सिंगल क्रोशिया से चले जाएंगे। इस तरह बनाते अपने इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट में अब छह चैन ना बना के इसमें चार चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार। चार चैन बनाने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक लूप लेंगे, एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर इसी जगह इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर आगे सात चैन बनाएंगे, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और अपने अगले लूप में ज्वाइन कर देंगे, फिर सात चैन बनाएंगे, फिर अगले लूप में ज्वाइन करेंगे। इस तरह इसके अंदर सात सात चैन के दो राउंड बनाऊंगी मैं, और जब पहले राउंड में आएंगे तो यहाँ पे चार चैन बना के फिर हमें एक, सॉरी, पांच चैन बना के एक डबल क्रोशिया बनाना है, और लास्ट में हम इसे सात चैन बना के इसे अपने जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से इसे कट कर देंगे। इस तरह दोनों राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। आगे एक तरफ मैंने इसमें चूली का बॉर्डर भी बना लिया है, आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर इस तरह से हम ये पोम पोम बोल से चिपका के इसे डेकोरेट कर देंगे। ये पोम पोम बोल भी मैंने बनाए हैं, मार्केट से नहीं लिए हैं, तो इन्हें बनाना भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। इससे पहले हम इसकी कैप बनाते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मैजिक रिंग लेते हैं, और मैजिक रिंग के अंदर हम शुरू में तीन चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह इसके अंदर 11 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो कुल हमारे इसके अंदर 12 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। फिर अपने उनको इस तरह से खींच लेते, अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसे यहाँ पे तीसरी चैन से स्लिप चैन से जोड़ के अपने राउंड को हम कंप्लीट कर देते हैं। शुरू में हम तीन चैन बनाएंगे, और तीन चैन बनाने के बाद इसी जगह इसके अंदर एक डबल क्रोशिया और बनाते हैं, फिर आगे की दो चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, तो मैं हर तीसरी चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाना है। तीसरी चैन आ गई, तो तीसरी चैन में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह बनाते हैं, इसके लास्ट में आएंगे तो इसमें हमारे चार डबल क्रोशिया और इंक्रीज हो जाएंगे। इसके लास्ट में आ गए तो इसके अंदर हमारे 16 डबल क्रोशिया हो गए, उसे स्लिप चैन से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। तीन चैन बनाएंगे, इसी जगह इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और बाकी की सभी चैन के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है एक चैन में, तो इसमें लास्ट में हमारे 17 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम 16 डबल क्रोशिया भी रख सकते हैं, 17 डबल क्रोशिया भी रख सकते हैं। इस तरह बनाते मैंने अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, तो कुल हमारे इसके अंदर तीन राउंड हो गए। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, और सभी चैन के अंदर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के अपने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह बनाते मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया है, और अपने उनको कट कर दिया है। अब अपनी वाइट कलर की ऊन लेंगे, इसे यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर पांच चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार,
पांच चैन बना के अगली चैन में इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। तो हर बार हमें पांच चैन बनानी है और हर चैन के अंदर इसे सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह बनाते अपना ये राउंड कंप्लीट करके अपनी कैप को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमारी कैप कंप्लीट हो गई है। अब इसके लिए पोम पोम बॉल बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाते हैं, तो मैजिक रिंग थोड़ा बड़ा साइज का बनाएंगे। फिर इसके अंदर हुक डाल के चार चैन बनाते हैं, एक दो तीन चार। चार चैन बनाने के बाद एक लूप लेंगे, मैजिक रिंग में से एक लूप हो गया, एक बार हो गया। इस तरह इसके अंदर हम 15 बार लेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। 15 बार लेने के बाद एक साथ सभी लूप में से निकाल देंगे, लास्ट वाले एक लूप को रखेंगे। लास्ट में हमारे दो लूप रह गए, अब इन दो को एक कर देंगे। ऊपर का तो हमारा बन गया, अब नीचे वाला हम इस तरह से खींच लेंगे। इसे यहाँ पे नोट लगा के अपनी उनको कट कर देंगे हम। फिर नीचे की तरफ ले जाके एक तरफ किधर भी हम इसमें इस तरह से खींच के इसमें नोट लगा देंगे। और एक्स्ट्रा उनको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पोम पोम बॉल तैयार हो गई। अभी अपनी ड्रेस पे भी डेकोरेट कर देंगे और अपनी हेड पे भी एक डेकोरेट कर देंगे। तो अपनी ड्रेस को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपनी हेड भी कंप्लीट कर ली है और अपनी ड्रेस भी कंप्लीट कर ली। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।